हम जब भी एक्सरसाइज करने जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई आप अपनी बॉडी को पहले तैयार करें, जब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी तो आप एक्सरसाइज सही तौर पे कर पाएंगे, वरना आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। अब सुना ही सुना है, इसके पीछे क्या रीज़न है, बिल्कुल हम ये भी जानेंगे, क्योंकि जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर शाहिद से आपको ज़रूर मिलवाएंगे और बात करेंगे वार्म अप पे कि भाई ये वार्म अप क्या चीज़ होती है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माई चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, डॉक्टर शाहिद मेरे साथ हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर भी हैं। इनसे बात करते हैं भाई वार्म अप क्या होता है। डॉक्टर साहब वार्म अप क्या होता है? देखिए वार्म अप हम जो आप डिफाइन करते हैं वो ये है कि अपनी बॉडी को रेडी करना वर्कआउट के लिए ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। ठीक है, हम लोग अमूमन देखते हैं कि हमारे पास जो भी केसेस आते हैं कि जो जिम गया चाहे ट्रेनिंग शुरू की बगैर वार्म अप के एकदम इंजर्ड हो गया, मसल पुल हो गया, मसल्स में रैप्चर हो गया, मसल एंकल ट्विस्ट हो गया। तो वार्म अप हमने हमेशा बोला है कि 3 कंपोनेंट होते हैं एक्सरसाइज के, वार्म अप, ट्रेनिंग एंड कूल डाउन। वार्म अप अपने मसल को रेडी करना, ट्रेनिंग अपने टारगेट पे काम करना एंड कूल डाउन अपनी बॉडी टेम्परेचर को वापसी नॉर्मल कंडीशन में लाना। ठीक है, अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो 75% चांसेस जो आते हैं आपकी इंजरीज के। अचानक शुरू किया इंजरी हो गई, अचानक वेट उठाया बैकिंग हो गया, बॉडी तैयार नहीं है, बॉडी तैयार। सही। अच्छा ये जो वार्म अप होता है ये कितनी देर का होता है? देखिए वार्म अप कम से कम भी 10 मिनट का होता है, कम से कम भी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से करते हैं। हमारे इशू ये है कि हमें वार्म अप इसलिए भी करवाया जाता है कि आपका मेंटली तौर पे तैयार हो जाए, आपकी बॉडी को, आप अपनी बॉडी को मैसेज दे दें प्रॉपर तरीके से कि अब हमें ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए कि उसको वर्कआउट किया जो भी करना है उसके लिए तैयार हो, वरना इंजरीज चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभार ये होता है कि आप वार्म अप के बगैर डायरेक्ट शुरू करते हैं, आपको बैकिंग हो जाता है, आपकी कोई भी डिसलोकेशन हो जाती है, इंजरीज हो जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है। सही। अच्छा वार्म अप का मतलब ये है कि भाई डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि आपको अपनी बॉडी को तैयार करना है, तैयार करने के बाद फिर उससे काम लिया जाता है, लेकिन क्या वार्म अप करके उसको छोड़ दिया जाता है, एक्सरसाइज पे जाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस चीज़ के हवाले से मैं बात करूँगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जब हम वार्म अप की बात कर रहे होते हैं तो क्या वार्म अप में भी कैटेगरीज होती हैं कि आप कौन सा वर्कआउट करवाने जा रहे हैं उसके हिसाब से वार्म अप होता है या जनरल वार्म अप होता है? बिल्कुल होता है। देखिए बात वही डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या है आपकी। सही है, जैसे हमने बात की थी अपने फर्स्ट शो में कि 2 टाइप ऑफ ट्रेनिंग फिटनेस, जनरल एंड स्पेशल। स्पेशल फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स, जनरल ओनली फॉर वो लोग जो नॉर्मली अपने घरों में एक्सरसाइज करते हैं या पार्क जाते हैं या हल्की एक्सरसाइज करते हैं, उनका काम ये नहीं होता कि वो जाके स्पोर्ट्स में या डिपार्टमेंट की तरफ से खेलें, वो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं। इसी तरह वार्म अप की वेरिएशंस होती हैं। अगर आप वार्म अप चाहे तो कोई जंपिंग करता है, कोई स्ट्रेचिंग करता है, कोई रनिंग करता है, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। जो आपके लिए बेहतर हो वो फिर आपका ट्रेनर बेहतर जानता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जब हम बात करते हैं कि जी ट्रेनर ज़्यादा बेहतर जानता है, तो इसमें एक चीज़ होती है, हम कहते हैं ट्रेनर का भी अपना एक क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि लोग गए हैं और उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट किया और उसके बाद उनकी बॉडी में डैमेजेस हुए हैं। देखिए बात ये होती है कि हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप अपनी बॉडी को किसी हैंड ओवर कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, अब उसको जब तक ये नहीं पता होगा कि आपसे उसको काम क्या लेना है बगैर, और कोशिश ये होगी कि आप इंजर भी ना हो, क्या ट्रेनिंग करने गए इंजरी लेके आ गए। ट्रेनर को अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ट्रेनर की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और मेंटली भी और इंटरनल भी और मैं फिजिकली भी ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है। सही, बिल्कुल सही बात है। सही ना, हर बंदा शाहरुख खान बनने नहीं आया, हर बंदा सलमान खान बनने नहीं आया, लोग ही अपनी जनरल फिटनेस भी होती है। हाँ, और बिल्कुल आप ट्रेनिंग करें और आपको जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन ये भी डिसाइड आपका जो ट्रेनर है वो करेगा। उसकी वजह ये होती है कि क्या आपकी बॉडी उतनी सख्त ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर पाएगी, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अगर ट्रेनर क्वालिफाइड हुआ तो उसको सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेगा ना। ये थोड़ी आप जाते ही आप ट्रेडमिल में चढ़ जाएंगे या जाते ही आप शुरू हो जाएंगे, नहीं, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है आपकी ट्रेनिंग का। पहले आपका पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, उसमें आपकी पूरी डिटेल ली जाती है कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है या कोई मल्टीपल इश्यूज हैं, या आप यहाँ किस लिए आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ जिम इसलिए जाते हैं कि उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। हाँ,
सही बात है। जाहिर बात है कुछ में दम होता है, कुछ में नहीं होता। कुछ लोग ऐसे जो जिंदगी में उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, तो हर हिसाब से आपको लेके चलना पड़ता है। उसके लिए ट्रेनर को आपकी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सही है। और हाँ, जिस तरह से कहते हैं ना डॉक्टर से कुछ ना छुपाएं, तो अपने ट्रेनर से भी कुछ ना छुपाएं। अगर आपको किसी किस्म का कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताएं। क्यों, मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है, नहीं कभी कभी हो जाता है। ये बहुत अजीब सी बात होती है, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वर्कआउट के लिए। अगर आपके ट्रेनर को पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। उसको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको होगा। देखिए बात सारी वही आती है कि आप जितना छुपाएंगे अपना नुकसान करेंगे। ट्रेनर का कोई नुकसान नहीं है, वो आएगा, वो आपको ट्रेनिंग कराएगा, आपको क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये है कि अगर वार्म अप ना करें तो कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं? देखिए वार्म अप ना करें तो बहुत सारी इंजरीज होती हैं। मीन्स आपको बैकिक हो सकता है, शोल्डर, कोई भी जॉइंट का डिसलोकेशन हो सकती है, आपका जो बॉडी है या आप बेहोश हो सकते हैं, या आपका शुगर लेवल नीचे आ सकता है, आप रेडी नहीं होते, अचानक ट्रेनिंग शुरू, या कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो जाती है, मूड स्विंग हो जाते हैं, सब कुछ देखना है ना। एक चीज थोड़ी इंसान ही जी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं कि जी बॉडी जो है वो एक दफ़ा ट्रबल में आती है और फिर मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। आपके पास तो मुख्तलिफ किस्म के केसेस आ रहे होते हैं जो डैमेजेस के साथ आ रहे होते हैं। देखिए हमारा मसला ये है कि ट्रेनिंग उसका एक सब्जेक्ट है। हमारी जो डिग्री है या हमारी जो प्रोफेशनल डिग्रीज है उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब कुछ है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं आपकी लेवल क्या है। हमारे पेशेंट आपका एक नया चैलेंज होता है कि उससे डील कैसे करना है। सर्जिकल केस भी होते हैं, नॉन सर्जिकल केस भी होते हैं, डायबिटीज़ प्रोग्राम भी होता है, बहुत से ऐसे हैं जो हमें देखना पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। उसको क्या ट्रेनिंग देनी है, डायरेक्ट बास्केटबॉल वालों को हम जनरल फिटनेस थोड़ी कराएंगे। स्किल्स क्या होते हैं, स्टेमिना कैसे डेवलप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। वार्म अप में हम हमेशा जनरल मसल्स को यूटिलाइज करते हैं, जो कॉमन मसल्स हैं हमारे, लॉन्ग मसल्स और शॉर्ट मसल्स, ठीक है, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, ठीक है। हमें प्रोफेशनल की बात नहीं करें, हम जनरल फिटनेस की बात करें। जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हैं तो फिर आपकी ट्रेनिंग कुछ और होती है, वार्म अप कुछ और किस्म का होता है। उसके आपके हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है, प्रॉपर डिटेल हर चीज़ होती है। जनरल फिटनेस जस्ट लॉन्ग आपके जो जनरल आपके मसल्स हैं, जो आपके कॉमन मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने अभी इतनी सारी गुफ्तगू की है, हम आपको लेके चलते हैं, ज़रा सा आपको दिखाते हैं कि जी वार्म अप होता किस तरीके से। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप के लिए स्किपिंग, दोनों टांगों पे आराम आराम से प्यार मोहब्बत से स्किपिंग कराएं आप 10 तक। टेन स्ट्रेट, दोनों पांव पे वजन देके खड़े होना है, राइट, ओके, नेक अप। अच्छा, जब आप नेक को स्ट्रेच करें, अगर आपको सर्वाइकल इश्यू नहीं है तो आपको मसल को स्ट्रेच करना मस्ट है इन एरियाज में। डाउन, थोड़ी सीने पर लगाइए। अच्छा, जब आप चिन अपनी सीने पर लगाएंगे तो आपका शोल्डर जो है सीधा रहेगा, नीचे नहीं झुकेगा। लंबा सांस, राइट साइड स्ट्रेट, नेक को पूरा, नाक को पूरा वहां तक लेके जाने। लंबा सांस साइड, लंबा सांस, कॉमन स्ट्रेच, स्ट्रेच अप पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इजी। लंबा सांस, थोड़े से पांव खोलिए अपने, यस, चार इंच का गैप, हाथ एक साइड पे, सीधा हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच अप, वर्टिकल स्ट्रेच, पूरा आपके साइड को स्ट्रेच करेगा। गो अप, दिस वन, 1 2 3, ये पूरे साइड्स आपके स्ट्रेच होंगे, फिर इस पे काम होगा। सामने की तरफ ये चीज़, अच्छा कमर सीधी रखनी है, आगे को नहीं आना, आपका हाथ आगे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ईजी। लंबा सांस, ओके, बैक स्ट्रेच, पीछे की तरफ हाथ को, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, पाँव पर रखिए एंड स्ट्रेच, यस, 4 5, डाउन। लंबा सांस, काफ स्ट्रेच, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, 1 2 3 4 5, ईजी, ओके। आपने देखा कि वार्म अप किस तरह से किया जाता है, ये बड़ा आसान सा एक तरीका है। तो ये एक ट्रेनर को पता होता है कि उसका अब कौन सा स्ट्रेचिंग का पीक आ गया है कि बस अब यहाँ पे मुझे रोक देना है। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल जो है वो ये है कि डॉक्टर साहब, ये तो वार्म अप हो गया, बॉडी ने एक्सरसाइज कर लिया, अब कूल डाउन की क्या इंपॉर्टेंस है? वार्म अप कर लेते हैं, अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हैं। अब आपने ट्रेनिंग की अच्छी लग गई, जैसी ट्रेनिंग, रनिंग की,
अपने स्पोर्ट्स खेला, आपने बहुत कुछ जिम ट्रेनिंग की, आपने वेट ट्रेनिंग की, सब कुछ किया, अब आपका बॉडी टेम्परेचर ऊपर की तरफ गया हुआ है, आपके हार्ट रेट ऊपर की तरफ गई हुई है, आपकी जो बॉडी है वो रेडी है और काम करने के लिए, लेकिन हमें कुछ जगहों पे रोकना पड़ता है। अगर हमने कोई बेसिक से क्लास करवाते हैं, बिगनर क्लास 35 मिनट्स की, 25 मिनट्स की, तो उसके 25 मिनट्स में जितना काम करवाना था हमने करवाया, उसके बाद वापसी बॉडी को कूल्ड कर दिया। कूल्ड मीन्स कि जो आपका बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर वापसी लेके आ गए, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट पर चली जाती है और आप आराम से घर जाके बेचैन भी नहीं होते, घर आके अपनी जो भी अपनी खाना वाना खाना होता है खा के रिलैक्स करते हैं। सही, बिल्कुल सही। रॉब साहब थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें जो है वो हमारे साथ शेयर की। यहाँ पर फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद का सेगमेंट एंड हो रहा है। शिकफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।